तो MGGR में स्वागत है तुम्हारा भाई एक बहुत ही मज़ेदार गेम के गेम प्ले सीरीज़ के अंदर जिसका नाम है फार क्राई 3। भाई ये ऐसा गेम है जिसमें तुमको एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर, भाई शूटिंग, फाइटिंग, एवरीथिंग भाई सिंगल गेम के अंदर मिलेगा। और मैं इस गेम की गेम प्ले सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ विथ हिंदी कॉमेंट्री भाई चैनल पर पहली बार, मतलब पूरे गेम को समझाता हुआ चलूँगा, एक्सप्लेन करता हुआ। और बहुत ही भाई मतलब नेक्स्ट लेवल गेम है, मतलब तुम देख सकते हो यूबीसॉफ्ट बहुत सारे गेम्स बनाता है, उसमें से एक गेम है इसका फार क्राई और उसका थर्ड पार्ट जो कि है वो आज मैं अपने चैनल पे खेलने जा रहा हूँ। मतलब बहुत ही भाई मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में अगर 50 लाइक्स आए तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, और वैसे भी मैं बनाऊँगा लेकिन तुम देख सकते हो। और शुरू करते हैं फिर, हियर कम्स फार क्राई 3 सीरीज चैप्टर 1। You think you're crazy, huh? Jumping out of airplanes, flying like birds. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant and Jason. From California, huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here, it's okay. I'm gonna chill. I'm gonna relax because you, Wa, and your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together Boss, while we wait for the morning. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. Catch you every fucking time, man. भाई जो भी ये बंदा है वास, जो कि बताया गया है, वो जो रैंडम बंदा पीछे से आया उसने उसका नाम बताया वास, तो इस बंदे ने हमारी पूरी टीम को हॉस्टेज बना रखा जिसके अंदर हम दो अभी दिख रहे हैं। और उसी टाइम पे ग्रैंट जो कि सामने बैठा है और मैं जेसन का कैरेक्टर है मेरा, हम दो भाई हैं। और रीले जो कि हमारा तीसरा सबसे छोटा भाई है, उसके पायलट लाइसेंस पर हम लोग एंजॉय करने के लिए, मतलब उसका लाइसेंस बना था इसलिए एंजॉय करने के लिए पूरा क्रू जो था इस आइलैंड पे एज अ मतलब एंजॉयमेंट के लिए आया था। लेकिन तभी ये वास जो एक टेररिस्ट है जो कि दिख रहा है, वो अपने ग्रुप्स के साथ आता है और इन दोनों को हॉस्टेज बना लेता है। तभी यहाँ पर ग्रैंट जो है उसके सामने बोलने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे सामने बोलने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुमको उन्हीं की तरह काट दूंगा जिनकी तुम्हारे किसी दोस्त को मैंने काटा था। तो भाई यहाँ पर ग्रैंट ने एक बंदे को ख़त्म कर दिया। तो उसने फिर आगे बताया कि तुम जैसे हवा में उड़ रहे थे, जो जेसन को चिढ़ा रहा था कि तुम ऐसे कैसे उड़ रहे थे और वो भी मेरी ज़मीन पर, मैं इस किंगडम का एक अकेला राजा हूँ। मतलब वो यहाँ पे बहुत सालों से शायद रूल कर रहा हो, पता नहीं, लेकिन उन
दोनों को इनको होस्टेजेस बनाकर उसने बस एक ही चीज़ की डिमांड की है, पेरेंट्स से पैसा। जैसे उनको पैसे मिलेंगे या तो वो हम दोनों को मार देंगे, जेसन और ग्रैंट को, और या फिर वो छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर एक बंदे को मार कर ग्रैंट ने की ले ली है, मतलब उस बंदे के पास की थी, और उसको मारने के बाद जेसन भाई बहुत ज़्यादा डर गया था जैसा दिख रहा है। लेकिन ग्रैंट बताता है यही तो हमको आर्मी में सिखाते हैं, टेररिस्ट को मारना। आई थिंक स्टोरी लाइन के हिसाब से ग्रैंट शायद आर्मी में हो सकता है, लेकिन अभी हमको यहाँ से निकलना है। तभी आगे स्टोरी के अंदर वो बताता है वास कि वो यहाँ पर बहुत सालों से रूल कर रहा है, और तुमको क्या लगता है यहाँ पर आके तुम एंजॉय कर सकते हो। फिर वो बोलता रहता है मतलब अपने में ही, लेकिन ग्रैंट उसकी सुनना नहीं चाहता। ग्रैंट अपनी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके मुंह पे कुछ बांधे रखे होते हैं सबके, दोनों के मुंह पर, इसलिए वो बोल नहीं पाता। लेकिन भाई जो भी है, पता नहीं हम कौन से आइलैंड पर हैं, कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस फंस चुके हैं यहाँ पर, और आइलैंड के कौन से कौन हैं पता नहीं। यहाँ पे देखो डॉग्स ने देख लिया है, लेकिन हमको ऑब्वियसली या तो हम फंस सकते हैं इस वक्त, नहीं देखा नहीं भाई, ये इतने सारे भाई पूरे कितने बंदे हैं पता नहीं। यहाँ पर एक सुअर काट रहा है बैठ के, तो हमको आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि जैसा कि स्टोरी लाइन में बताया, रीले जो कि इसका सबसे छोटा भाई है, तीसरा भाई, उसे हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसका पता ही नहीं है भाई, दो को बांध के रखा है, तीसरा बंदा कहाँ पर है पता नहीं। तो यहाँ पर शायद मेरे को मेरी चीज़ें मिल चुकी है, हाँ हियर वी गो भाई। लाइटर मिला है, टैब, कैमरा एंड अ वॉकी टॉकी, और आइलैंड का सबसे बड़ी चीज़ भाई मैप मिल गया है। मैप मिलने से भाई कम से कम हम पता तो रहेगा हम कहाँ पर हैं, थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लगता रहेगा किस जगह पर हैं। लेकिन उससे बड़ा भाई प्रॉब्लम है अभी इस जगह से बाहर निकलना है, क्योंकि इस जगह से बाहर नहीं निकले तो ऑब्वियसली उन लोगों को ढूंढेंगे कैसे। तो ग्रैंट कह रहा है एक पत्थर उस साइड फेंको ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकें, हाँ तो हो गया वो डिस्ट्रैक्ट, और इसका फ़ायदा उठा के हम पीछे से निकल सकते हैं। तो भाई जल्दी निकलना पड़ेगा इससे पहले वो आ जाए। सो, मैं आ गया। Oh God, I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together, okay? Okay. I'm sorry. तो भाई ग्रैंट जैसे ही ये जो अननोन बंदा था इसको मारा, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं मारेगा तो ये सारे फिर पकड़े जाते, तो जेसन बहुत ज़्यादा डर जाता है, और ग्रैंट उसको कहता है कि मुझे रीले और लीज़ा को ढूंढना है और बाकियों को भी, और मैं तुम्हारे बिना वो नहीं कर सकता, और उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली थोड़ा डरा हुआ है जेसन, लेकिन मेन कैरेक्टर यही है, इसको ऑब्वियसली आगे जाके ये सारी चीज़ें फाइट करनी पड़ेगी, तो इसको अभी से थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, पीछे भाई शूट कर रहे थे लोगों को, किन को मार रहे थे पता नहीं। यहाँ पे अगेन दो बंदे हैं भाई, मुझे नहीं पता किस साइड से जाना है, कहाँ जाना है। सो अगेन भाई ग्रैंट कह रहा है जेसन को कि एक पत्थर फेंको, शायद इस बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएं ये लोग दोबारा। सो डिस्ट्रैक्ट तो हो गए ये लोग, लेकिन हम जिस हिसाब से यहाँ से निकल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता भाई इतने भी बेवकूफ़ हैं, इन्होंने गेम ऐसा तो नहीं बनाया होगा कि सिर्फ एक पत्थर को थ्रो करके ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके हम पूरे मैप से बाहर निकल जाएं। तो शायद बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है, और जिस हिसाब से सामने का भाई सीन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो वास है और इसका पूरा भाई मेम्बर्स का जो ये गुच्छा लेके घूम रहे हैं, इन्होंने पूरे एक गाँव है आई थिंक कोई, उस पूरे पर कब्जा कर रखा है। मतलब तुम रेड कपड़ों में देख सकते हो, ये वास के मेंबर्स हैं, मतलब उन्हीं के टेररिस्ट हैं, और ये जो हट्स दिख रहे हैं शायद इसके अंदर पक्का कोई ना कोई लोग रहते होंगे जिनके ऊपर इन्होंने भी कब्जा कर लिया है। ऊपर से भाई गाड़ियां जा रही है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ग्रैंट है जब तक भाई बड़े भाई का हाथ सर पे है, पता नहीं कब तक बाहर से निकल ही जाएंगे शायद हम लोग। सो हाँ मिल गया भाई रास्ता, बाहर निकल गए। बहुत इजी था भाई एस्केप करना तो इसमें से। Never should have made that jump alone. I promised that I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home.
with me, Grant. Please, don't die. Hold on, Grant, hold on. You're pretty much dead. Oh, God. No. You want to fuck me? Grant! I like that. No, I respect that. I'm gonna give you 30 seconds. And if this jungle doesn't eat you up alive, I will. Fucking death! So get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Run! तो भाई यहाँ पर मुझे लगा इतनी आसानी से ग्रैंट और जेसन ने एस्केप कर लिया, लेकिन भाई मैंने बोला था ना ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरा है। जैसे ही बाहर निकले ग्रैंट ने भाई इसको विश्वास दिलाया कि मैंने पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हारी और रीले की रक्षा करूँगा और मुझे उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तभी भाई पीछे से वास ने भाई बिल्कुल गले में गोली मारी ग्रैंट के और वो वहीं पर ख़त्म हो गया। और इस वजह से भागने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों, तो वास भाई भड़क गया, कह रहा है तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट करना चाहते हो, मेरी बेइज्जती करना चाहते हो भाग के, तो मैं तुम्हें 30 सेकंड्स देता हूँ अगर तुम इस जंगल से भाग गए तो। और भाई उसने पूरी आर्मी लगा दी, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, पीछे बंदे आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए। मुझे नहीं पता एस्केप होगा कि नहीं होगा और ना मुझे रास्ता पता है, मैं बस सीधा भागता जा रहा हूँ। भाई लिटरल ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, गोलियाँ मार रहा है मेरे को, तो मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है भाई यहाँ से बच के निकलना। लेकिन अगर निकल गए तो ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ स्टोरी लाइन के अंदर भाई अपने भाई का बदला। भाई ग्रैंड को मारा उसने तो ऑब्वियसली एज अ छोटा भाई इसको बदला लेना होगा, वास के पूरे भाई एम्पायर को इसको तहस नहस करना पड़ेगा। तो जेसन को अभी राइली और दूसरे जो बंदे इनके क्रू के उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो ऑब्वियसली ये कर क्या सकता है, इसका भाई तो मर गया, अब दूसरों को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से एस्केप करेगा ये। तो मैंने बोला था ना जैसे देखो जेसन मेन कैरेक्टर है, अभी पीछे वो डर रहा था लोगों को मारने से, लेकिन उसने पहला खून कर ही दिया। ऑब्वियसली बिना मारे वो जी नहीं सकता यहाँ पे, या तो मारो या तो मरो, ये खुद मर जाएगा अगर नहीं मारेगा तो। पहला खून भाई जेसन कर चुका है, भाई हेलीकॉप्टर लिटरल भाई मार रहा है इसको। सो भाई गया भाई, पूरा पुल टूट चुका है। तो भाई देख रहे हो तुम, मतलब बिल्कुल स्टोरी का भाई रुख मोड़ दिया, पता नहीं एस्केप कर रहा था इजीली, अब पानी में गिर चुका है, मुझे नहीं पता यहाँ से मरेगा कि जिंदा बचेगा। सो भाई देख सकते हो यूबी सॉफ्ट भाई प्रोडक्शन भाई बहुत ही मस्त गेम बनाता है, ये फैन होते हैं भाई यूबी सॉफ्ट के, असैसिन्स क्रीड, फार कराई, जो यूबी सॉफ्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भाई एक हेल्पिंग हैंड, मुझे नहीं पता किसका हाथ है लेकिन आई थिंक ये बच गया। और हियर कम्स फार कराई 3, भाई बहुत ही मज़ेदार भाई गेम है अगर तुमने खेला हो कभी लाइफ में यूबीसॉफ्ट के गेम। एक तो ग्राफिक्स इतनी तगड़ी बनाते हैं लोग और दूसरा स्टोरी, भाई स्टोरी लाइन इतना खतरनाक, इसलिए मैं तुमको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ ताकि भाई मज़ा आता रहे यार। तो ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, तुम्हें खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तुम वॉरियर हो और खुद का रास्ता ढूंढो। और पता नहीं शायद बचने के बाद मैं किसी के घर पे कोई मेरे को लाया है। What the hell? You are awake. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the tattoo. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. Jason. Mangao, lava lava. The head and the shark and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the tatau,
will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. How did I get here? I found you on the beach. Welcome to Omanaki Village. It is something, isn't it, huh? Salamat, Tengahari. I have Jason Brody with me, the man who escaped Vast Camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. It called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of their tribe. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. Here, cash for weapons. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? There's a first time for everything. तो भाई यहाँ पे सीन पे लगा था भाई कि जेसन निकल लिया पानी में गिरने के बाद, लेकिन जो हेल्पिंग हैंड आया था वो आदमी अपने घर पे ले आया हमको और इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम डेनिस के नाम सर। डेनिस पता नहीं जब होश आता है जेसन को, उसके हाथ पर एक टटाऊ नाम का कुछ बोलता है जो कि टैटू की तरह था, जो कि उनकी लैंग्वेज में टटाऊ कहते हैं, वो बना रहा था और उसको बताता है कि तुम एक वॉरियर हो, क्योंकि हर कोई टटाऊ अपने हाथ पर नहीं बनवा सकता। From the island. You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Vas uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you. You will learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. So, तो मैंने जो बताया तुमको कि जैसे ही होश आया जेसन को, ये डेनिस नाम का बंदा उसके हाथ पे टटाऊ बना रहा होता है जो कि एक टैटू की टाइप से होता है और कहता है तुम एक वॉरियर हो, क्योंकि ये टटाऊ जो है वो सबको एक्सेप्ट नहीं करती अपने हाथ पे बनवाने के लिए, और ओनली जो कि वॉरियर्स होते हैं और जो यहाँ के मेंबर्स हैं वही इस टटाऊ को अपने हाथ पे बनवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जेसन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल पावर है, लेकिन जेसन को उसकी बातों पे कुछ विश्वास नहीं होता, इसलिए वो तभी साइड से नाइफ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस कहता है अगर तुम्हारी इच्छा है मेरे को मारने की जेसन तो मुझे मार सकते हो, लेकिन उसी वक्त मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगा। तो जेसन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो ये इसकी बात मान लेता है और उसको बताता है कि वो वास के बेस कैंप से भाग चुका है, लेकिन वहाँ पर उसके बड़े भाई ग्रैंट की मौत हो चुकी है और बचे हुए मेंबर्स लीजा, बचे हुए मेंबर्स और रैली जो कि उसका छोटा भाई है उसे ढूंढना है, और क्या वो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन डेनिस बोलता है कि तुम खुद एक वॉरियर हो, तुम्हें खुद अपने आप की हेल्प करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता सिवाय एक चीज़ के कि मैं तुमको यहाँ से फ्री कर दूंगा। तो इतनी बात हो ही रहती है कि वो अपने घर से उसको बाहर निकालता है और अपने लोगों से इंट्रोड्यूस करता है कि ये एक विलेज है जिसका नाम है अमानाकी विलेज, जो उसका खुद का बनाया हुआ है इस आइलैंड पर, और वो उसने बनाया है रियाकत कोई ट्राइब है उसकी मदद से, मतलब वो उनकी ट्राइब में शामिल हो गया डेनिस, और उन लोगों की मदद से उसने यहाँ पर एक अपना मतलब गांव बसा रखा है कबीला टाइप का, और रियाकत जो लोग हैं उनके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, और बस उसने हमको पहला काम दिया डेनिस ने कि जाकर जो रेडियो टावर है ना उसको पता नहीं कुछ उसके रेडिएशंस में छेड़खानी करो, क्योंकि तो उसी रेडिएशन से जो वास के मेंबर्स हैं ना वास उनको लोकेट करता है कि वो कहाँ पर हैं, और ऑब्वियसली उनकी वजह से इन लोगों को भी तकलीफ़ होती होगी क्योंकि वो हर वक्त इनको परेशान करते होंगे, इसलिए
इसको डिसलोकेट करके इनका रेडिएशन चेंज करके शायद मैं मदद कर सकूं, और वास को डेफिनेटली कुछ ना कुछ घाटा होगा इससे। तो डेनिस ने जैसा बोला था भाई रेडियो पे कुछ कर दो, ये रेडियो टावर पे, तो वो भाई जेसन आसानी से कर चुका है चढ़कर, लेकिन मुझे नहीं पता इसने क्यों करवाया। और ये तो इसने अपनी हेल्प करवाई, ऑब्वियसली मुझे अपने मेंबर्स को ढूंढना है, तो अब शायद ये मुझे बताए कि मुझे क्या करना है आगे, क्या करने के लिए। नाइस राइड, हां, इट्स डन, गुड, शो मी अ मैप। यू सी, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures, the island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? तो यहाँ पर डेनिस सिंपल उसको भाई मजाक में कहता है कि तुम तो बहुत ही मतलब अच्छी राइड की तुमने जिप लाइन की, जो मैं ऊपर से रेडियो टावर के ऊपर से कूद कर आया। और इसने बताया कि तुम जितनी बार रेडियो टावर को जिन जिन जगह पे उनके रेडिएशन चेंज करोगे, तुमको आसपास की शॉप्स, गन खरीदने के लिए ये सब मतलब इनेबल हो जाएगी, तुम देख सकते हो उनको सिंपली। और जितने रेडियो स्टेशन के आसपास जो शॉप होगी, अगर तुम उसके रेडिएशन को चेंज करोगे, तो तुम वहाँ से एक फ्री गन ले सकते हो। और ये फ्री गन तुमको ऐसे ही नहीं मिलेगी, वो तुम्हारी मदद के बदले है, क्योंकि मतलब जैसे ही तुमने रेडियो स्टेशन को फ्री किया, तो इसका कोई भी लोकेशन वास मेंबर्स के पास नहीं जाएगा। और वास मेंबर्स के पास कोई लोकेशन ना जाने की वजह से वो तुमको एक गिफ्ट ऐसा मतलब रिवॉर्ड देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ें जो भी मंगवाते हैं यहाँ वहाँ से, उनकी खबर वास मेंबर्स को पता पड़ जाती है, तो वो लूट लेते हैं इनको, मतलब परेशान करते हैं। तो उनकी हेल्प के बदले तुमको हर बार एक फ्री गन मिलेगी। तो यहाँ पर एक असॉल्ट राइफल जो मुझे मिली थी, वो मैं लेके जा रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरे पास अभी उतने रखने की जगह नहीं है, तो मेरे को डेनिस के जो $60 के दिए हुए पिस्टल को वापस वहीं पर रखना पड़ा। और फिर डेनिस कहता है कि मतलब तुमको यहाँ पर जंगल है, तो जंगल के अंदर तुमको मेडिसिन खुद बनानी पड़ेगी, खुद सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। और जब तक तुम जंगल को पूरा मास्टर नहीं कर लेते, तुम एक असली वॉरियर नहीं बन सकते। मतलब आइलैंड पे ऑब्वियसली रह रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई टेलीविज़न है ना, कोई ऐसे हेल्प आ सकती है पुलिस की, पूरा टेररिस्ट का इलाका है, होस्टेजेस बन रहे हैं यहाँ वहाँ, तो ओनली फॉरेस्ट ही है जो तुमको हेल्प कर सकता है। और जब तुम इसे मास्टर कर लोगे, तब तुम्हें वहाँ से लौटना है। तो अभी इसने मुझे पता नहीं कोई चीज़ें लाने के लिए कही है, पता नहीं क्या बताया है। तो पहले लोकेशन पर चलते हैं। तो लोकेशन पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो साइड में लिस्ट आ रही है, एक रेड लीफ चाहिए, दो ग्रीन लीफ, एक ब्लू, और बोर स्किन। बोर स्किन शायद जंगली सुअर को कहते हैं, आई थिंक, पता नहीं, ऐसे ही लोगों तो ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, तो उसने बताया लीव्स की मदद से तुम मेडिसिन बना सकते हो। तो मतलब, तो ये रहा सामने भाई एक सुअर, आई थिंक मरा नहीं भाई, उसके पीछे जाना पड़ेगा, मेरी बुलेट वेस्ट हो जाएगी उस पर, दो तीन गोलियाँ। भाई दो सुअर मिल गए, हो गया भाई काम, दो ही चाहिए थे भाई। जंगल में भाग रहे हैं अब, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई जंगल का, दिखते ही नहीं जानवर। तो भाई एक मार चुका, दूसरे को मारना है मेरे को भाई, मतलब बर्बाद भाई। 40 गोलियां थी, 40 की 40 बुलेट्स में दो सुअर को मारने में बर्बाद कर चुका, जिसमें से दूसरा मारा भी नहीं है भाई। मेरे को पीछा करना पड़ेगा इसका, क्योंकि बुलेट्स खाई हैं इसने मेरी। कोई नहीं भाई, दूसरा मिल गया, इसी से काम चला लेता हूँ। तो इसकी हाइड ले लेता हूँ, पता नहीं क्या है ये बोर स्किन हाइड, पता नहीं क्या है जो भी। तो भाई ये सुअर पता नहीं क्या, शायद पता नहीं किस लम्हों में खोया हुआ था, इसको मैंने चाकू से मारा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एक सुअर जिसको मैंने मार के वहाँ पे रखा है, उसकी भी स्किन ले लेते हैं। और फिर लीव्स भी हमको ढूंढनी है।
पता नहीं स्किन से तो मुझे समझ नहीं आया क्या बनवाएगा, लेकिन लीव्स का मेरे को पता पड़ गया। उसने बताया था लीव्स से तुम मेडिसिंस बना सकते हो, तो मेडिसिंस के लिए मेरे को लीव्स ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले ग्रीन लीव। सो एक ग्रीन लीव हो चुकी है, दूसरी पता नहीं कहाँ मिलेगी। ये रही दूसरी। और इस गेम में तुम समझ रहे हो ना, मतलब पूरा भाई एडवेंचर ऐसा है। मतलब अब देखो, इसका बड़ा भाई ग्रैंट मर गया, बाकी बंदों को मतलब पूरा स्टोरी लाइन जो है जेसन के अराउंड घूमेगा। ये अपने दोस्तों को ढूंढेगा और अपने छोटे भाइयों को, मतलब इसका ऑब्वियसली भाइयों को तो क्या ही बोलूँ, इसका बड़ा भाई तो मर गया, अब बस छोटा ही भाई बचा है और इसके दोस्त बचे हैं। तो पूरे स्टोरी में भाई ये जंगल को मास्टर करेगा और वास को ऑब्वियसली इसको डिफीट करना पड़ेगा। और तुमने स्टोरी लाइन में देखा होगा कि वास के पीछे से एक आदमी आता है जो कि उसको कहता है कि वास इनको अब हॉस्टेजेस को और डराओ मत और अपना काम करो आगे का। मेरे ख्याल से वो वास के भी भाई ऊपर का कोई सुपीरियर बंदा है जो कि अभी तक दिखाया नहीं गया, उसकी शक्ल थोड़े अंधेरे में थी। तो भाई स्टोरी लाइन तो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो यहाँ पर सब कुछ मेरा हो चुका है, बस दो ब्लू लीव्स चाहिए। तो ब्लू लीव्स पानी के अंदर है, तो ये रहा पहला ब्लू लीव। मतलब भाई पूरा जंगल का इलाका कुछ नहीं कर सकते अब, बस एक अच्छी चीज़ है भाई यहाँ पर कार है। अगर कार नहीं होती ना तो इस जंगल में भाई ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक न्यू स्किल दिखा रहे हैं लोग फास्ट ट्रैवल की, मतलब जिन जगह पे मैं जा सकता हूँ वो फास्ट ट्रैवल करके। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैवल यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो सीधा भाई अमानाकी विलेज के अंदर पहुँच गया मैं। तो अमानाकी विलेज से याद आया, तो यहाँ के लोगों को जब डेनिस ने बताया ना कि मैं पहला बंदा है जेसन जिसने वास का कैंप जो है जिंदा पार किया है, वो लोग बहुत खुश हुए। और डेनिस ने बताया कि तुम्हारा पहला कदम है वास के खिलाफ। तो यहाँ डेनिस के पास पहुँच चुका हूँ। Dennis, I've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. तो यहाँ पर अभी डेनिस सिखा रहा है कि कैसे नेचर की मदद से तुम मतलब चीजें क्राफ्ट कर सकते हो। तो ग्रीन लीव्स की मदद से शायद ये वाली कौन सी मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन मैं ग्रीन लीव्स की मदद से कर सकता हूँ। और बोर हाइड की मदद से सिंपल रस्क जो कि लूट कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब पैसे वैसे अगर मैं कुछ चुराऊं, बुलेट्स। तो मतलब यहाँ पर पूरी भाई मेरी लाइफ जो है जंगल के अराउंड इनके एनिमल्स प्लांट्स के अराउंड गुजरेगी, क्योंकि मेरे को अगर अपना बैग क्राफ्ट करना है, जिंदा रहना है तो मेडिसिन चाहिए, खाना है तो एनिमल का मीट खाना पड़ेगा। तो पूरा जंगल पे डिपेंड रहना पड़ेगा भाई जेसन को। और ये पता नहीं, मतलब शुरुआत में तुमको दिखाया था ना, मैंने बताया था कि जेसन के हाथ पे डेनिस एक टटाऊ बना रहा होता है। सो टटाऊ का मतलब कुछ एबिलिटीज से इनका, कि मतलब जैसे जैसे मतलब तुम कोई एबिलिटी सीखोगे तो इसके हाथ पे टटाऊ बढ़ता रहेगा। तो देखो पता नहीं क्या दो बन चुके हैं टटाऊ टाइप। Oh shit! We have to get her back. Come, follow. तो शायद हमको लीजा मिल चुकी है। उनका जो वॉकी टॉकी उठाया था उस पर आवाज़ आती है कि हमें एक अमेरिकन मिली है, आओ उसके साथ मजे करते हैं अमानाकी विलेज के पास। What's this outpost they've taken Lisa to? The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Vas's pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight. Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend will kill two pigs with one stone. We are at war with Vas. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. We conquer one for Irakia, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakiat warriors. The true Rakiat, who live at the heart of the island. The Tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you,
I was once a stranger here. You are not alone, my friend. तो भाई यहाँ पर वॉकी टॉकी से पता चला जेसन को कि उसकी फ्रेंड लीजा को यहाँ पर पास में लेकर आए हैं, और ऑब्वियसली मेरी भाई गन में बुलेट्स नहीं, इन लोगों ने दिया नहीं, तो मुझे छुप के मारना पड़ेगा क्योंकि लीजा को भी खतरा हो सकता है। तो ये लोग बताता है डेनिस कि ये रियाकत के लोग हैं जिनकी ट्राइब को वो फॉलो करता है, तो तुम उनको टटाऊ अपने हाथ का दिखाओगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम भाई असली वॉरियर हो और हमारी मदद करने आए हो, और यही लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स तक जाने में, और हम में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क उनमें है जो कि गलत के पीछे भी कुछ एक्शन नहीं लेते, मतलब कुछ एक्ट नहीं करते उनके लिए, तो बस उन्हीं में डिफरेंस है और बाकी सब हम बराबर हैं। तो अभी मुझे नहीं पता यहाँ पर लीजा कहाँ पर है, मुझे उसे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई मेरी गन में 0 बुलेट्स है, मैंने उन सुअर को मारने पर 40 बुलेट्स वेस्ट कर दी थी। तो भाई ये पहला बंदा, इसको टेक डाउन से मार दिया मैंने, तो टेक डाउन और एक स्किल और सीखी थी मैंने। तो जैसे जैसे मैं स्किल सीखता हूँ मेरे टटाऊ यानी हाथ का टैटू कुछ ग्रो करता रहता है, तो वो पता नहीं क्या कुछ स्पेशल पावर टाइप मान सकते हो तुम। तो भाई देख लिया शायद उसने, बॉडी देख ली, गए भाई 3-4, एक नॉक हुआ भाई, गया इसको देखो भाई, इस कुत्ते को कोई काम धंधा नहीं भाई। एक तो इस गेम में प्रॉब्लम ये है ना भाई, बुलेट्स बहुत कम देते हैं। एक बंदे को नॉक किया था, उससे बुलेट्स मिली, फिर ये दूसरे बंदे को मारा, चलो अच्छा है रियाकत के लोग पीछे से हेल्प भी कर रहे हैं मेरी। ये एक और गया, दो बंदे मार चुका हूँ मैं सामने से, चलो भाई रियाकत वालों ने बहुत सारों को मार दिया है। सो ये वाला एम्पायर भी मतलब शायद रियाकत वालों ने आउटपोस्ट कब्जे में ले लिया मतलब, लेकिन मुझे लीजा को ढूंढना पड़ेगा, लीजा यहीं कहीं पर बंदी बनाई हुई है। लीजा शायद इस घर के अंदर बैठी है, शायद उसको पकड़ के रखा गया है। Where is the American prisoner? We lost her. What? She escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. तो यहाँ पर भाई डॉक्टर अर्न हार्डेड जिसका डेनिस ने नाम बताया, मतलब कि जैसे यहाँ पर पहुंचे तो ये जेसन बहुत खुश था कि उसकी फ्रेंड लीजा मिल गई, लेकिन वो भाग चुकी है, मतलब वो डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, तो इनके हॉस्टेजेस के कब्जे से मतलब वो छूट गई और वो भाग गई यहाँ से वेस्ट साइड में कहीं पर। तो रेडियो की मदद से डेनिस ने बताया कि वो डॉक्टर अर्नहिट कहीं पे वेस्ट साइड के अंदर रहता है, उसने उसको मतलब देखा है, मतलब किसी फ्रेंड को वहाँ पर देखा, मतलब उसको अपने घर पर स्टे करने के लिए रखा है। तो जेसन पूछता है डेनिस से, कौन सा फ्रेंड है तुम बता सकते हो, लेकिन डेनिस बोलता है मुझे उसके बारे में उतनी खबर नहीं है, तुमको खुद जाकर पता लगाना पड़ेगा कि वहाँ पर तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है जो डॉक्टर अर्नहिट के पास है। अब मुझे नहीं पता कि वो लीजा है कि रिले है, कौन है पता नहीं, क्योंकि लीजा भी भाग गई है, अब उसको ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं पर रियाकत के लोग कहते हैं कि तुम भाई ट्रस्ट वर्दी हो, मतलब वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं मेरा टटाऊ देखकर, टैटू देखकर, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली वो अडेप्ट कर रहा है वो टैटू, तो बहुत खुश है रियाकत के लोग, लेकिन मुझे अपने भाई फ्रेंड्स को बचाना है, मैं यहाँ जंगल में रहने तो ऑब्वियसली नहीं रहा हूँ। लेकिन रियाकत के लोगों ने मेरी हेल्प की भाई, बुलेट्स बहुत कम थे लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प की, तो भाई वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा एज अ जेसन। तो मुझे नहीं पता तुमको ये सीरीज़ भाई कैसी लगी, पहला एपिसोड था, मैंने पहली बार ट्राई किया कमेंट्री करने का, मतलब ऐसे एक्सप्लेन टाइप करने का, तो मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो भाई 50 लाइक्स कर देना, अगर नहीं भी आया चलो 50 लाइक्स कर देना, लेकिन तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक सेकंड पार्ट के अंदर, जब मेरे को डॉक्टर अर्नहिट के पास जाना पड़ेगा जेसन को, मुझे नहीं पता कौन सा बंदा है उनके पास,
और चल के फिर देखेंगे कि भाई कौन है, और अगर कोई और बंदा हुआ तो लीज़ा को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो कहाँ भागी है पता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना मिस्टर गेमिंग गियर चैनल को, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।